कहा जाता है कि जब किसी के पाप का घड़ा भर जाता है तो फिर वो कितनी भी कोशिश कर ले, कुछ भी प्रयास कर ले, उसे उसके द्वारा किए गए कुकृत्यों के दुष्परिणामों को भोगना ही पड़ता है। जय माता की। मैं जय सिंह आप सभी फेसबुक और यूट्यूब के दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे साथ हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार जिन्होंने पंडोखर बाबा का पोल खोल अभियान जोरों शोरों से पूरे देश तक फैला रखा है, माननीय बीएस चौहान जी। सर, हम आपका बहुत स्वागत करते हैं। और जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि पाप का घड़ा जो कि पंडोखर बाबा का भर चुका है, हम आपको बताते चलें, अक्टूबर माह की बात है, 2 महीने पहले। वैसे तो ये गुरुशरण शर्मा पंडोखर बाबा सालों से, कई सालों से देश भर के अनेक जिलों के लोगों को जो उनके यहां जाते हैं, कोई टीवी चैनल पर देखकर, कोई यूट्यूब चैनल पर देखकर, उनको धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर डराकर कि भूत लगाए, प्रेत लगाए, अच्छी तरह से लूटते हैं। लेकिन इनके पाप का घड़ा कब भर गया? अक्टूबर माह में, जब एक धार्मिक समाजसेवी संगठन के द्वारा इनके खिलाफ आवाज उठाई गई। सर, ये क्या पूरा मामला है? ये लगभग ये नवरात्रि समय पर जी की बात है, जब एक बहुत बृहद कार्यक्रम चल रहा था भगवती मानव कल्याण संगठन के तत्वाधान में, हाँ जो परमहंस योगिराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज का कार्यक्रम था, जी शक्ति चेतना जन जागरण के रूप में महासंघनाथ का एक कार्यक्रम था, नवरात्रि का समय था। जी उसमें श्री शक्तिपुत्र जी महाराज ने एक बात उठाई कि जो समाज में इस समय जो धार्मिक संस्थाएं समाज का शोषण कर रही हैं, गरीब जनता को लूट रही हैं, उनके स्पष्ट नाम ले रहे थे। उसमें प्रमुख नाम ये पंडोखर धाम के गुरुशरण शर्मा का था जी कि ये पूरी तरह से फ्रॉड है, इसके अंदर कोई क्षमताएं नहीं है, ये केवल केवल अपनी जेब भर रहा है, गरीबों को लूट रहा है। जी जब ये सारी बातें गुरुदेव जी ने सारी बातें कही तो ये बौखला गया, हाँ ये अंतसंट बोलना इसने प्रारंभ कर दिया। अगले दिन ही इसका लाइव आया, ये ऐसा है वैसा है। एक दो बार श्री शक्तिपुर जी महाराज और लाइव आए, उन्होंने कहा कि ये जो बातें कह रहा है, इसकी तह पे जब भी जाएंगे आप जी तो देखेंगे कि ये पूरी तरह से इसका एक ही मोटो है कि मैं कैसे अपनी तिजोरियां भर लूं। और उसका परिणाम ये हुआ कि हजारों लोग फोन करके बता भी रहे हैं, आज हाँ आपके साथ जुड़े भी हुए हैं और लगातार बता रहे हैं कि किस तरह गुरुशरण शर्मा के द्वारा उनको पिछले कई सालों से लूटा जा रहा है। बिल्कुल जी, बिल्कुल तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि संगठन में अभी तक तो क्या था कि गुरुशरण शर्मा के द्वारा अनाप शनाप बोला जा रहा था, गाली गलौज की जा रही थी, गलत आरोप लगाए जा रहे थे। भगवती मानव कल्याण संगठन के लिए उनके द्वारा यह भी कहा जा रहा था कि आप शराब क्यों पकड़ते हैं, शराब माफियाओं को क्यों परेशान करते हैं। लेकिन अब भगवती मानव कल्याण संगठन ने गुरुशरण शर्मा के खिलाफ एक जनांदोलन छेड़ दिया है, तो इसकी शुरुआत कब से हुई? ये जब इसका चारों तरफ से सारी बातें उठने लगी, लोगों में जनाक्रोश तो पहले से था, हाँ क्योंकि जब ये लूट रहे थे हर गांव गली मोहल्ले में स्थिति ये ज्यादा चल रही थी। इनका यूट्यूब चैनल देख के लोगों की परेशानी ये थी कि उनके साथ कोई ना कोई परेशानी थी, उन्हें लग रहा था कहीं से कोई सहारा मिल जाए किसी न किसी, क्योंकि आज भी जनता धार्मिक है, सनातन को मानने वाली है, धर्म कर्म को करने वाली है, उन्हें लगता है कोई भी साधु संत सन्यासी गुरु कहीं से भी हमें एक रास्ता मिल जाए, हमारी समस्या दूर हो जाए। इसी की वजह से इनकी यूट्यूब चैनल और नेशनल चैनल कुछ हैं जो जिनमें इनका कार्यक्रम आता है उसको देख देख के इनके यहाँ गए। हाँ। और आज की तारीख में स्थिति है कि क्षेत्र के क्षेत्र इनसे लुटे बैठे हैं, बिल्कुल लोगों के अंदर इन्होंने भय भी पैदा कर दिया था, अगर तुम विरोध में जाओगे तो मैं तुम्हें फूंक मार दूंगा, जी तुम्हारा आहित हो जाएगा। और इसके साथ साथ लोग जो गरीब थे तो कुछ आवाज उठाने लायक थे नहीं, जो अमीर थे तो इस डर से नहीं उठ पा रहे थे कि अगर हम बात उठाते हैं तो लोग कहेंगे तुम पढ़े लिखे हो, पैसे वाले हो, इसके बाद भी तुम इस चीजों को मानते हो, दकियन उसी चीजों को, वहां जाके ठक के आ गए तो उनकी बेइज्जती ना हो, जी हाँ। इसलिए लूटने के बाद भी चुपचाप बैठे थे, लोग संकोच करते हैं। हाँ, हाँ। और उन्हें अपनी बेइज्जती महसूस हो रही थी कि समाज में हमारी छप क्या जाएगी, लोग बैठे थे। इधर जब श्री शक्तिपुंज जी महाराज ने ये बात उठाई और पंडोखर बाबा जो है गुरुशरण शर्मा वो अनशन बोलने लगा, तो जो भी गुरुदेव से जुड़े, क्योंकि गुरुदेव श्री शक्तिपुंज जी महाराज से जुड़े 200 लाख गुरु शिष्य हैं उनके, हाँ हमारे गुरु भाई हैं जी,
तो उनके अंदर भी एक जन आक्रोश की भावना जागृत हुई, और वह उसी का परिणाम है कि एक सामूहिक, क्योंकि जो जिससे भी बात करते थे तो वो भी उनसे प्रताड़ित था, हाँ। तो जो आम जनता थी वो संगठन के सदस्य हो, जब ये परिस्थिति बनी कि जिसको देखो वही प्रताड़ित है, तो जन आक्रोश फूट पड़ा और वो इतना फूटा कि रोडों पे आ गया, और उसी के परिणाम है कि ये जो 3 दिसंबर को जो हुआ जी, हाँ, शनिवार के दिन जी, हमारे पास फुटेज भी है, हम आपको दिखाते हैं। हाँ। 3 दिसंबर दिन शनिवार को दमोह सदर, हाँ, दमोह सदर के अंबेडकर चौक में, हाँ, भगवती मानव कल्याण संगठन के हजारों कार्यकर्ता, आम समाज के लोग जिनकी धार्मिक भावना को ठेस पहुंची है, सनातन धर्म को मानने वाले हजारों लोगों ने विशाल जनयात्रा निकाली, और उसके साथ सर और क्या क्या किया वहां पर लोगों ने? लोगों के तो जनाक्रोश इतना था, उनके मुंह से तो गालियां फूट रही थी जी, हाँ, जूते की माला पुतले पे पहना थे, पुतला पूरा लिए हुए, और तरह तरह के नारेबाजी करते हुए, और बड़े जनाक्रोश के साथ। उनका एक ही मोटो था कि वहां की जनता तो देखे, शासन प्रशासन भी देखे कि लोग कितने प्रताड़ित हैं, क्योंकि जब व्यक्ति प्रताड़ित होता तभी इस तरह की बातें आती हैं। हाँ। उनका मेन मोटिव था कि शासन प्रशासन जागे, उन्हें वो ज्ञापन सौंप रहे थे डीएमएसबी को, हाँ। उनका सौंपने का एक उद्देश्य था, और पुतला दहन, पुतला दहन पंडोखर बाबा का, पंडोखर बाबा, हाँ, जिससे कि हम उसका विरोध करते हैं, हम उसे डरते नहीं हैं कि जो कहता है कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, जो करना है सो कर दे। जो व्यक्ति आपके कार्यों को नहीं कर सकता तो आपको उस फूंक का उपयोग करना है, तो आपके कार्यों के लिए कर दे, जब वो नहीं कर पा रहा तो आपका हित क्या कर देगा जी। उसमें ऐसी कोई क्षमता नहीं है। मैं तो 2 महीने से मेरा लगातार नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, अगर उसमें कुछ क्षमता है तो मुझे कर दे जी, बिल्कुल। पर उसमें जब कुछ क्षमता हो तब ना वो केवल ट्रिक वो अपनाता है, और अगर किसी को अगर गलती से भी कुछ बता दिया तो बताने से कार्य तो नहीं हो जाएगा, नहीं। इसी की वजह से इतना जन आक्रोश खड़ा हो गया कि रैली के रूप में आ गया, हाँ। और आप दमोह सदर की स्थिति देखी रहे, देखिए कितनी भीड़ लगी हुई है, और हाँ। लोग कैसे कैसे नारे लगाते हुए जा रहे हैं, और ये बिल्कुल इन्हें पुतला को दहन करना है, उसमें तो लाज जूती भी करना है इन्हें जी, और ये कर ही रहे हैं, कर ही रहे हैं। आप देख रहे हैं दमोह सदर का ये नजारा जो आप देख रहे हैं, हजारों लोग सनातन धर्म को मानने वाले, हिंदू धर्म को मानने वाले, जिनके आस्था को चोट पहुंची है, वो लगातार ये आक्रोश जनाक्रोश आप देख रहे हैं, जूते की माला पहना रहे हैं, उनपे जूते मार रहे हैं, और प्रशासन को ज्ञापन देने के साथ साथ जोरदार नारेबाजी कर रहे हैं। सर, ये जो हमारा आंदोलन शुरू हुआ जो पंडोखर बाबा के खिलाफ, ये आंदोलन 3 दिसंबर तक ही थम गया या आगे भी बढ़ा? नहीं, थमने वाला है नहीं जी, क्योंकि ये जो जनाक्रोश है तो पूरे देश में है। हाँ। शुरुआत मध्य प्रदेश से प्रारंभ हुआ है, क्योंकि ये बुंदेलखंड का क्षेत्र है, जब तक शांत रहते हैं जिस दिन जन आक्रोश फूटता है तो बड़ी तीव्रता के साथ फूटता है, फिर उन्हें कुछ नहीं दिखता है, उन्हें ये दिखता है जो गलत हो रहा है तो उसका विरोध उन्हें करना ही है, और उसे खत्म होना चाहिए, तो या फिर उन्हें सलाखों के पीछे आना चाहिए। और इसी की वजह से 3 दिसंबर को तो जो हुआ 4 दिसंबर को भी उससे ज्यादा स्थिति फैली। आपके रीवा मुख्यालय जी में एक बहुत बड़ी रैली के रूप में लोग इकट्ठे हुए, जिसमें संगठन के लोग थे, आम जनमानस था, और उसमें लेडीज और जेंट्स, मतलब महिला पुरुष बच्चे सभी थे।
का नजारा भी लगातार स्क्रीन पर देख रहे हैं, किस तरह से लोग कितना आक्रोशित हैं कि उनके धर्म को खिलवाड़ बना दिया गया है। लोग कह रहे हैं, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। सर, रीवा के अलावा और कहां पर चल रहा है आपके ये जबलपुर? जी, जबलपुर मुख्यालय में भी ये पूरी इसी तरह का पूरा सेम पैटर्न, जन आक्रोश इतना फैला हुआ था कि जबलपुर के आम जनमानस संगठन एक रैली के रूप में पुतला लिए हुए, माला पहनाए हुए, वही जूतों की माला, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को जूतों को माला के अलावा और पहनाया ही क्या जा सकता है। बिल्कुल, बहुत परेशान लोग हैं। हाँ। और बहुत आक्रोशित लोग हैं। सबका एक ही मोटो था कि हमारी जो बातें हैं, हमारी परेशानियां हैं, शासन प्रशासन देखे, और एक ज्ञापन भी उन्हें सौंप रहे हैं। जबलपुर जिले में, उत्तर प्रदेश में, और जहाँ पर पूज गुरुवर जी के शिष्य है वहाँ पर तेरा पुतला दहन किया जा रहा है, तुझे मारा जा रहा है, जूतों से मारूंगा, चप्पल से मारूंगा, तू कुत्ता है, कमीना है, जाकर आपके सागर जिले, हाँ, सागर में भी इसी तरह का पूरा एक आप देख सकते हैं। क्या वहां पर भी पुतला फूंका गया? हाँ, वहां भी पुतला फूंका गया, नारेबाजी की गई, जूती की माला पुतले को पहनाई गई, पंडोघर बाबा का बिल्कुल गुरुशरण का विषय में तो आप खुद ही सुन लेंगे, हमें कहने की जरूरत नहीं है, वो तो जनता ही आपको बता रही है। लगातार हम आप लगातार देख रहे हैं, ये सागर जिले का नजारा है। सागर जिले में किस तरह से लोग पुतला फूंक रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, और लगातार प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि ऐसे जो अधर्मी बाबा हैं, जो लुटेरे बाबा हैं, उनसे समाज को निजात दिलाई जाए। हमें एक फुट बोल रहे को जो दमोह सदर का नजारा देखा था। हाँ। तो जो दमोह की तहसीलें हैं, अच्छा, जैसे बतियागढ़ है, बतियागढ़ में सेम यही स्थिति थी, वहां का भी नजारा पूरा जनमानस इकट्ठा था, और वही पुतला दहन का कार्यक्रम ज्ञापन सौंपना डीएम एसडीएम को, एसपी या एसडीएम जो भी संबंधित प्रशासनिक अधिकारी प्रशासनिक अधिकारी है उनको सौंपना। Come on!
और या दूसरी एक तहसील है आपकी जबेरा। हाँ जबेरा तहसील, जबेरा में भी सेम यही स्थिति। तो क्या सब जगह केवल संगठन या आम जनमानस भी इसमें उबड़ पड़ा है? आम जनमानस तो ज्यादा था। अच्छा, संगठन निश्चित है, संगठन एक अगुवाई का रूप में था कि संगठन के सहयोग से करें। हाँ। क्योंकि बगैर संगठन के सहयोग के वो लोग निर्णय नहीं ले पा रहे थे, हम बढ़े तो किसके साथ चले। जैसे आप बढ़े, जैसे आपने अगुवाई की तो हजारों लोग आपके साथ जुड़े और अपनी व्यथा बताई। जी हाँ, इसी तरह जैसे ही संगठन को उन्हें सहयोग मिला तो पूरी जनता खड़ी हो गई। क्योंकि वो तो वो पहले से ही प्रताड़ित थी, उन्हें कोई एक सपोर्ट मिल जाए तो वो तो आगे पीछे खड़े होने के लिए तैयार थे। यही कारण था कि वहां पर संगठन की कम और आम जनमानस ज्यादा दिख रहा था। और वहां भी उसी तरह का कार्यक्रम रहा, पुतला दहन वाला, वहां सारा कार्यक्रम जो आप अभी देख ही रहे हैं, आप देखिए किस तरह गालियां दे रहे हैं, किस तरह मतलब लोगों के अंदर से आक्रोश झलक रहा है, कैसे गुस्से में तमतमाए हुए लोग हैं, ये आप देख ही रहे हैं, देख लीजिए। जी बिल्कुल। अगर हमें एक ग्रेड बुक को मारने को मौका मिल जाए जिंदगी भर चुन चुन मुंह देखते थे। और सर इसके अलावा जो आपने जबेरा में बताया, हमारे जबेरा में भी कुछ संवाददाता हैं जिनको जिन्होंने लोगों से इस बारे में बातचीत की, और आप सुनिए कि लोगों का क्या कहना है। गुरुशरण शर्मा का पुतला दहन क्यों कर रहे हैं, क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि नारी का अपमान किया है, देवी देवताओं का अपमान किया है, यह धर्म के नाम पर लोगों को, गरीब जनता को ठग रहा है, लूट रहा है, अत्याचार अनाचार कर रहा है। कहे महिलाओं के साथ इसने रेप के प्रकरण भी है, 307 का मुकदमा भी दर्ज है, यह ना जाने कितनी महिलाओं के साथ अब संबंध बना चुका है, यह बहुत हरामी है, कुत्ता है, नीच है साला। और इसलिए हम लोगों ने आज इसका पुतला दहन किया, कालिक पोती। और आगामी अगर यह पंडों का सरकार या जो अपने गुरुशरण शर्मा है, निश्चित ही इसकी अर्थी निकालेंगे हम लोग। अभी पूरे देश स्तर पर ऐसे कार्यक्रम किए जाएंगे। इसने हमारे कार्यकर्ता को कुत्ता बोला है, आज इसको कुत्ते की मौत हम लोग भी मारेंगे। तो जो कहता है मैं त्रिकालदर्शी हूँ, मैं भगवान हूँ और तुम ठीक हो जाओगे, ऐसे वैसे कई लोगों की मौत की घाट उतार दो इस बेईमान हराम खोर ने, इसकी ऐसी तैसी करे कुत्ता की नीच। आंदोलन है, अब हम उसे उसी के धाम में जाकर कितने झूठे मारेंगे, शासन प्रशासन को समारवा बहुत कर पड़ जाएगा। समाज को लूट रहा है, ठग रहा है, छल रहा है और भोली भाली जनता को बेवकूफ बना रहा है। तो हम आक्रोश में है भगवती मानव कल्याण संगठन, और इसका जो पुतला दहन करने जा रहे हैं, हमारे गुरुवर को इसने कितने प्रकार के गंदे सवाल, गंदे प्रकार की गालियां दी, और हमारे गुरु भाई गुरु बहनों को भी गालियां देता है। तो हम बहुत भगवती मानव कल्याण संगठन की बहने भाई सभी आक्रोश में है और इसका पुतला दहन करने जा रहे हैं। आपने कहा कि वो देवी देवताओं का भी अपमान करता है। हाँ, वो देवी देवताओं का भी अपना अपमान करता है, बोलता है माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा हमारी पैर की जूती के नीचे दबी रहती है, पालिश करती है ऐसा कहता है जो हमारी जगत जननी जगदम्बा है, जिसके हम सभी मानव जाति जिसकी संतान है उसको ऐसे अपशब्द बोलता है। अरे लाखों लोगों को लूट रखा है इसने, और ये तो बिल्कुल त्रिकालदर्शी के नाम पर पाखंड है, लूट रहा है, त्रिकालदर्शी नहीं, कोई चक्कर में फंसे, ये समाज का शोषण करने वाला है, गरीबों का खून पी रहा है, जिस समय से जिस तरह से राक्षस जनता का खून पीते थे, ब्राह्मणों का, इसी तरह से ये जनता का खून पी रहा है, ये राक्षस है। गुरु शर्मा है वो समाज को लूट रहा है, आप क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में? इसके लिए हम कहना चाहते हैं इस अधर्मी अन्याय को, नीच को, तमी, इस कुत्ता को, हरामी को, हम कहना चाहते हैं जो समाज को लूट रहा है, अधर्मी है, अन्याय, कुत्ता है, हरामी है, नीच है, इसके लिए तो हम हरी भरी माला लाए हैं चप्पल की, इसके लिए चप्पल की माला पहलाएंगे, उसको खुशबू आएगी उसकी। पंडोकर बाबा से कहना चाहता है, आज के प्रदर्शन से समझ जा न तेरी ज्ञान की ग्रंथी जो चौक हो गई है, तेरे धाम में आन करके इतने झूठे मारूंगा पूरी ज्ञान की ग्रंथी खुल जाएगी, और तू राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा, मानव की रक्षा करने के लिए तैयार हो जाएगा, तुझे सिखा दूंगा धर्म क्या है, अधर्म क्या है, तेरी ऐसी तैसी कर तेरी।
तूने समाज को लूट लिया धर्म के नाम पर। सनातन धर्म की मूर्ति जो हमारी आस्था है, धर्म की मूर्तियों का अपमान करता है। माँ जगदम्बा को जूते के पालस करने की कहता है हरामखोर। तेरा करेजा निकाल करके तला के खिलवा दूंगा सुअर को। तेरी ऐसी तैसी करे तेरी कुत्ते नालायक। हरामखोर संभल जा, नव जगीरा ठाकुर आने वाला है तेरे धाम में। वो तो अन्यायी है, अपने आप गुरु शरण शर्मा कहता है। उसके साथ में गुरु का नाम आना ही नहीं चाहिए। वो कहीं का पंडा है, लुटेरा है, भिखारी, कुत्ता है, कमीना है, नीच है, बढ़िया पता नहीं कहाँ का गुंडा टाइप का। तो वो देखता है उसका नाम गुरु शर्मा नहीं होना चाहिए। उसका नाम तो पता नहीं क्या लुटेरा होना चाहिए। पुरुष, महिला, बच्चे बढ़ चढ़ करके इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं और लगातार प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि आप ऐसे पाखंडी धर्म गुरुओं से, जो धर्म गुरु का चोला पहने बैठे हैं, समाज को लूट रहे हैं, उनको जल्द से जल्द सलाखों के पीछे करें। इस तरह से आप लोगों ने देखा कि भगवती मानव कल्याण संगठन, सनातन धर्म को मानने वाले हजारों लोग, हिंदू धर्म को मानने वाले और जिनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है, जो गुरु शरण शर्मा से लुटे लोग हैं, वो सब मिलकर के एक विशेष आंदोलन खड़ा कर दिए हैं पूरे मध्य प्रदेश में और ये देश स्तर तक भी जाने वाला है। अतः हम आपसे भी चाहेंगे, यदि आप भी चाहते हैं ऐसे अधर्मी और लुटेरे बाबा का जो पंडोखर धाम में कब्जा जमाए बैठा है गुरु शरण शर्मा, उसका पर्दाफाश हो, वो सलाखों के पीछे हो, तो आप भी हमारे साथ जुड़िए इस अभियान में, अपना कमेंट करें। और सर, हम आपसे एक बार फिर से यही कहेंगे कि क्या आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को? मैं लोगों से ये कहना चाहूंगा, मेरा नंबर स्क्रीन में नीचे दिया रहता है, जो भी व्यक्ति उनसे लुटे हुए प्रताड़ित हैं तो उनका कर्तव्य बनता है कि शर्माए नहीं, अपने ये ना सोचे कि मुझे समाज क्या कहेगा। इन नंबरों पर वो संपर्क करें, उनके पास जो भी एविडेंस पर्चियां हैं वो मुझे उपलब्ध करवाएं और अपना एक स्टेटमेंट दें, इंटरव्यू ऑडियो जो फोन इंटरव्यू रहता है उसको दें, हम उसको भी डालेंगे। और हमारा मेन उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डालें और ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट हो, चारों तरफ जाए, लोगों को पता चले। तो जो व्यक्ति अभी लुटने से बच गए हैं या जो अभी नहीं जा पाए हैं, उन तक ये वीडियो जाए जिससे वो वहां जाने से बच जाए, लुटने से बच जाए। ये इसके साथ ही मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहूंगा, हमारा एक शक्ति संकल्प शक्ति न्यूज का एक यूट्यूब चैनल है जिससे आप बिल्कुल अभी सब देखेंगे। इसके अलावा मेरा एक बीएस चौहान का पेज है, फेसबुक पेज, और हमारा एक संगठन का सिद्धाश्रम धाम के नाम से एक यूट्यूब चैनल है, इसमें हम ये जो वीडियो है आपको मिलेंगी। इसके अलावा हमारे कई मित्रों को भी चैनल है, उसमें भी ये वीडियो जा रही है। आप लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि हमारे जो तीन चैनल हैं इनमें इनको आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, इन्हें लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, जो ये जो लुटने का कार्यक्रम है लोगों का वो रुक सके। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब भी विदा लूंगा या हम दोनों विदा लेंगे अगले वीडियो की तैयारी के लिए। जय माता की। जय हिंद, जय भारत, जय माता की।